Hello everyone, welcome to PharmaRox YouTube channel. We welcome you in a PharmaRox The Way of Success, the YouTube educational channel related to our pharmacy profession. In today's video, we will study about the capsule doses form. So this is our part 1 video lecture by Mr. Amar Rawal. He is a PhD scholar in a pharmaceutics. So let's check about the lecture. So first of all, we will learn about the definition of a कैप्सूल ओके सो कैप्सूल आर ए सॉलिड डोजेस फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिसिनल और इनर सब्सटेंस आर इनक्लोज विद इन ए स्मॉल सेल और कंटेनर जनरली प्रिपेयर फ्रॉम ए सुटेबल फॉर्म ऑफ जिलेटिन ओके मतलब कि कैप्सूल जो है वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है ओके और उसके अंदर मेडिसिनल एंड इनर सब्सटेंस जो है वो इनक्लोज होते हैं इन ए स्मॉल सेल कंटेनर जनरली प्रिपेयर फ्रॉम ए सुटेबल फॉर्म ऑफ जिलेटिन मतलब कि जो कैप्सुल के हम जो सेल देखते हैं वो मेनली जिलेटिन uh, जो मटेरियल होता है उसके बने होते हैं ओके कैप्सूल आर यूजली इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्ट्रेड औरुल में भी एडमिनिस्ट रेक्टली और वजाइनली ओके okay, मतलब कि मेनली जो कैप्सूल डोजेस फॉर्म जो है वो ओरल रूट से ही लिए जाते हैं ओके एंड ओकेशनली ही वो क्रैक्टली या फिर वजाइनली रूट से ली जाती है बिकॉज वजाइनली एंड रेक्टल यूज़ के लिए ऑलरेडी वी हैव सपोजिटरी एंड पेस्ट्रीज आर अवेलेबल फ़ॉर ए रेक्टल एंड वजाइनल यूज़ ओके सो कैप्सूल्स आर ओनली यूज इन ओरल डोजेस फॉर्म ओके दे आर ए सॉलिड डोजेस फॉर्म मेनली यूज फॉर ए ओरल कैविटी ओके ओरल यूज के लिए यूज होते हैं मेनली दे आर स्वेलो द होल ओके सो कैप्सूल कैसे बनाई जाती है वो भी हम देखेंगे पूरे वीडियो में ओके okay? उसके मेथड ऑफ प्रिपेरेशंस उसके मटेरियल कौन से यूज होते हैं ओके सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में ओके हिस्ट्री अबाउट द कैप्सुलोजेस फॉर्म सो हिस्ट्री में यह है कि कैप्सुल्स वी आर फर्स्ट पेटेंटेड फॉर यूज इन नाइनटीन थर्टी by Joseph Gerard Auguste Doblanc and Francois Achille. The first patented capsule were made from soft gelatin in 1846. Jules Lubihi obtained a patent for two-piece hard capsule, such as those that are in use in today. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैप्सूल जो डेवलप हुई और उसके जो पेटेंट जो फाइल हुई वो सबसे पहले हुई 1830 में तो ये क्वेश्चन आ सकता है जीपेट एग्जाम में या फिर नाइपर में ओके okay, कि फर्स्ट कैप्सूल वेर पेटेंटेड इन ईयर ओके okay, तो इट इज इन 1830 थर्टी बाय जोसेफ जेराड ऑगुस्टे डबलांस एंड फ्रांकोसिस एच देन द दे फर्स्ट पेटेंटेड कैप्सूल वेर मेड फ्रॉम सॉफ्ट जिलेटिन वाइल इन 1846 फोर्टी सिक्स जुल्स लेहू बाई ऑप्टेन ए पेटेंट फॉर टू पीस हार्ड कैप्सूल सच एज दो दोज दैट आर यूज इन ए टूडे सो हम अभी जो यूजअली जितनी भी कैप्सूल्स यूज होती है मोस्ट ऑफ वो कैसी होती है टू पीस ओके उसकी कैप और बॉडी जो है वो दोनों अलग होते उसको कहते हैं टू पीस कैप्सूल ओके और उसे कहा जाता है हार्ड जिलेटिन कैप्सुल और जो सबसे पहले जो बनाई गई थी वो थी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सल्स तो ये आपको याद रखना है फ्रॉम हिस्ट्री नेक्स्ट चेक करते हिस्ट्री में सिंस दिस कैप्सूल वे मेड बाय हैंड देयर वाज डिफिकल्टी बाय ऑपटेनिंग प्रिसीजन टू गेट द टू पार्ट्स टू फिट टुगेदर वेल ओके सो ये जो कैप्सूल बनाई गई वो कैसे बनाई गई थी हाथों से बनाई गई थी ओके हैंडमेड कैप्सुल्स थी सो so, डिफ़िकल्टी क्या थी कि उन्हें उनके जो पार्ट्स ज्वाइन करने में ओके okay? पार्ट्स तो समझो कि ज्वाइन कर ले लेते बट कई बार वो सेपरेट भी होने के चांसेस रहते हैं ड्यू टू द हैंडमेड मेड कैप्सुल बिकॉज कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और वो सिंपली हैंडमेड कैप्सुल सेल ही डिज़ाइन किए गए थे और वो कैप्सुल सेल के अंदर जो पाउडर या फिर कोई ड्रग वगैरह को फिल करके पेशेंस को दिए जाते थे बट इन 1931 थर्टी वन आर्थर कल्टन इन्वेंटेड ए मशीन टू मेक बॉथ पार्ट्स ऑफ हार्ड कैप्सुल सो दे पेट टूगेदर वेरी प्रॉपरली ओके सो चेंजेस हुआ नाइनटीन में कि जब आर्थर कल्टर ने क्या किया कि एक मशीन इन्वेंट किया और वो मशीन से हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के जो हम कैप और बॉडी थे वो प्रॉपरली uh, फिट कर सकते थे ओके okay? एंड वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते थे ओके सो द मशीन्स दैट मेक द हार्ड कैप्सूल टुडे आर बेस्ड ऑन कल्टनस इन्वेंशन जो आज भी जो हमारे पास हाई स्पीड फिलिंग मशीन है कैप्सूल सॉर्टिंग मशीन है ओके okay, कैप्सूल के पैकेजिंग्स के जो मशीन है उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनका जो कॉन्सेप्ट हुए वो बेस्ड ऑन कल्टनस इन्वेंशन के जो 1931 में जो आर्थर कल्टन ने जो इन्वेंशन किया उसी के बदौलत हम आज भी कैप्सूल के जो मशीन्स में डिज़ाइनिंग जो वगैरह चेंजेस कर रहे हैं उनमें मेन कॉन्सेप्ट जो था वो था कल्टनस के इन्वेंसन का तो ये थी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कैप्सूल डोजेस फॉर्म अब हम बात करेंगे अबाउट द एडवांटेज़ के कैप्सूल डोजिस फॉर्म के एडवांटेज कौन से है तो फर्स्ट एडवांटेज इज़ ए नीट एंड एलिगेंट इन ए अपियरेंस ओके नीट एंड एलिगेंट इन ए अपियरेंस उसका एपियरेंस बहुत ही सिंपल है नीट एंड है देन टेस्टलेस सेल टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द ड्रग ओके जो कैप्सूल होती है उसके अंदर क्या होता है कि कैप्सूल के जो सेल होते हैं ओके okay, उसके अंदर जो ड्रग जो है वो फील की होती है या फिर जो फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है आपने ग्रैन्यूल्स बनाए हुए हैं या फिर ऐसे कोई पैलेट्स बनाए हैं छोटे छोटे तो उनको आप जो कैप्सूल के सेल के अंदर फील कर देते हो तो क्या होगा कि समझो कि कोई ड्रग का टेस्ट बिटर है कोई ड्रग के ऑर्डर जो है वो अनप्लीजेंट है तो क्या होगा वो जो है वो कैप्सूल सेल के अंदर मास्क हो जाएंगे बिकॉज कि आउटर उसके आउटर जिलेटिन का बना हुआ कैप्सुल सेल का लेयर आ जाता है और उसके कारण आपको ना उस ड्रग का टेस्ट का पता चलेगा ना ही उसका ऑर्डर बिकॉज कि जो टेस्टलेस सेल के कारण मास्क हो जाता है अनप्लीजेंट टेस्ट का एंड ऑल्सो द ऑर्डर सो द टेस्टलेस सेल टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द ड्रग दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ए कैप्सूल डोजेस फॉर्म नेक्स्ट इज द कंटेंट में बी रिमोव फ्रॉम ए जिलेटिन सेल एंड एम्प्लॉय एज ए प्री मेजर मेडिसिनल पाउडर ओके द कंटेंट्स मे बी रिमोव फ्रॉम द जिलेटिन सेल एंड एम्प्लॉयड एज ए प्री मेजर मेडिसिनल पाउडर मतलब कि अंदर जो आपने कंटेंट फिल किया है उसको आप समझो कि बाहर निकाल सकते हो और उसको प्रॉपरली फिर से मेज़र करके या फिर ऑलरेडी मेजर करके ही उसके अंदर फेल किया होता है तो उसको आप मेडिसिनल पाउडर के तौर से यूज कर सकते हो ओके द कैप्सूल सेल बींग यूज टू कंटेन ए डोज ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस मतलब कि प्रॉपर डोज जो है वो आप उसको डिलीवर कर सकते हो द कैप्सूल सेल्स बींग यूज टू कंटेन ए डोज ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस नेक्स्ट एडवांटेज इज अ कॉमनली एम्बोज और इम प्रिंटेड ऑन देयर सरफेस द मैन्यूफैक्चर्स नेम एंड प्रोडक्ट कोड रेडिली आइडेंटिफाइड मतलब कि जो कैप्सुल के जो सेल होते हैं ओके कैप्सूल के सेल ऊपर आप जो है वो एट्रेक्टिव कलर्स वगैरह से सेट कर सकते हो एज वेल एज यू कैन एम्बोज द वेरियस प्रिंटिंग ओके लाइक द मैन्युफैक्चरस नेम प्रोडक्ट कोड वगैरह जो है वो आप कैप्सुल सेल के ऊपर एम्बोज कर सकते हो सो दे कैन रेडीली आइडेंटिफाइड The ready द uh, the ready solubility of gelatin at a gastric ph provides rapid release of medication in the stomach. जो जिलेटिन का बना bana जो सेल होता है वो हमारे स्टमक के अंदर rapidly जो है वो डिजोल्व हो जाता है इट कैन डिजोल्व द फास्टर एज कम्पेयर टू अदर सेल सो उसके कारण क्या होता है हमारी जो मेडिसिन जो है वो easily जो है वो स्टमक में रिलीज होता है उसे हम कहेंगे रैपिड रिलीज ऑफ द मेडिकेशंस इन द स्टमक पैक्ड एंड सिप्ड बाय द मैन्युफैक्चर एट ए लोअर कॉस्ट लेस ब्रेकेज देन ए लिक्विड डोजेस फॉर्म ओके सो समझो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में पैकिंग और सिपिंग जो है वो कम खर्चे में हो जाता है और ब्रेकेज भी कम आता है इन ए कैप्सुलोजेस फॉर्म सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ए कैप्सुलोजेस फॉर्म देन मोर स्टेबल एंड लॉन्गर सेल्फ लाइफ जो हमारा कैप्सुलटेबल है एज कम्पेयर टू अदर एंड ऑल्सो है लॉन्गर सेल्फ लाइफ वैल्यू तो हम सभी को पता है कि हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं जितने भी एडवांटेजेस इतने डिसएडवांटेज भी होते हैं तो लेस चेक अबाउट द डिसडवाटेज ऑफ दिस कैप्सुलोजेस फॉर्म सो डिस में देखेंगे फर्स्ट वन इट इज अ कैप्सुल्स आर नॉट फॉर लिक्विड दैट डिजोल्व जिलेटिन सच एक्वियस और हाइड्रोअल्कोहलिक सोल्यूशन ये पॉइंट बहुत important ही इंपॉर्टेंट है ये आपको हाईलाइट करके रखना पड़ेगा कि कैप्सुल्स आर नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड्स दैट डिजोल्व जिलेटिन सच एक्वियस और हाइड्रोअल्कोहलिक सोल्यूशन मतलब की कैप्सुल का जो सेल है कैप्सुल का जो सेल है उसके अंदर आप ऐसे लिक्विड्स को नहीं फिल कर सकते कि जो कैप्सूल के सेल को ही डिजोल्व कर देते हैं समझो कि हाइड्रो हाइड्रोअल्कोहलिक जो सॉल्यूशंस आते हैं वो क्या करते हैं कैप्सूल सेल को डिजोल्व कर देते हैं समझो कि आप कैप्सूल सेल के अंदर हाइड्रो हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन फील करोगे तो क्या करेगा वो आउटर लेयर को ही डिजोल्व कर देगा और उसके कारण जो अंदर जो आपने जो लिक्विड फिल किया है वो बाहर आ जाएगा ओके देन सेकंड डिसएडवांटेज है कि द कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन विच रिक्वायर प्रीवियस डायल्यूशंस आर अनसुटेबल फॉर कैप्सूल बिकॉज इफ एडमिनिस्टर्स एज सच एज लीड्स टू इरीटेशन इन टू द स्टमक ओके द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस जो होते हैं कि जिनको डायल्यूशन करने की ज़रूरत होती है उनको आप डायरेक्टली कैप्सूल में फिल करके नहीं दे सकते बिकॉज दे मे कोज द इरीटेशन इन टू द स्टमक देन नॉट यूजफुल फॉर एफलोरसन और डायलिकुशंस मटेरियल एफ्लोरसेंट मटेरियल कोस कैप्सूल टू सॉफ्ट एंड डेलीक्यूसेंट में ड्राई द कैप्सूल सेल्स टू ब्रिटलनेस सो दिस आर द थ्री मेन डिसएडवांटेज ऑफ ए कैप्सूल डोजिस फॉर्म एफ्लोरसेंट मटेरियल क्या करेंगे कैप्सुल सेल को सॉफ्ट बना देंगे एंड डेली मटेरियल क्या करेंगे कैप्सूल सेल को ड्राई करेंगे जिसके कारण उसकी ब्रिटलनेस जो है वो इंक्रीज होती है ये पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपके वाइवा वगैरह के लिए भी कोई आपको पूछ सकता है कि डेली क्यूसं मटेरियल जो है वो क्या करते हैं तो वो कैप्सुल सेल को ड्राई करेंगे जो एफ्लोर सेंट है वो कैप्सुल सेल को सॉफ्ट बनाएंगे सो so यहाँ तक हमने देखा कैप्सूल की डेफिनेशन ओके okay, उसके बाद उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड इसकी हिस्ट्री अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कॉमन मटेरियल्स यूज होते हैं टू प्रिपेयर एनी कैप्सूल ओके तो सबसे पहले यूज होगा उसके अंदर वो है जिलेटिन ओके okay, सबसे पहले जो मटेरियल यूज़ होता है कंस्ट्यूंट इट इज़ ए जिलेटिन और उसके दो टाइप है टाइप वन एंड टाइप बी जिलेटिन ओके सो कैप्सूल के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो हम चेक करेंगे तो सबसे पहले जो है वो है जिलेटिन ओके okay, जिलेटिन के बने क्या होते हैं सेल उसमें टाइप ए जिलेटिन एंड टाइप बी जिलेटिन जो है वो यूज होते हैं देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज दिस ए प्लास्टिस प्लास्टिसाइजर क्यों ऐड किया जाते हैं तो इंपार्ट्स द सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी एंड प्रोवाइड द प्रॉपर हार्डनेस टू द कैप्सूल सेल और उनका एग्जाम्पल है ग्लिसरीन एंड ग्लिसरॉल ओके एटी फाइव परसेंट एंड नाइनटी एट परसेंट प्योर Glycerin and glycerols are used as a plasticizer in a capsule dosage form, and their function is a impart softness and the elasticity and provide the proper hardness. Third ingredient it is a preservatives. Okay, so in a preservatives mainly the methylparaben and the sorbic acid. Or sorbic acid the concentration is a zero point two percent is used as a preservative in a capsule.

ओके okay. उसके कारण जिलेटिन के यूज करने से क्या होता है माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ऐड किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स दे आर द मिथाइल पेराबेन एंड द सॉर्बिक एसिड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आर ए सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट्स मेनली द ऑयल्स एंड दे प्रोवाइड द elegance next is a opacifying agent it is a titanium oxide in the concentration to 0.2 to 1.2 percent tio2 added in a capsule cell okay it provide the minimize minimize the transparency it minimize the transparency in a capsule so these are the main five ingredients. first one it is a gelatin it is a main backbone next one is the plasticizer in the plasticizer we use the glycerin and the glycerol 85 to 98% and it imparts the softness and elasticity and the hardness to the capsule cell next is the preservatives like the methyl and propyl also the sorbic acid in 0.2% and it retards the growth of microorganisms solvents like use various oils provide the elegance ट्रांसपेरसी और जो भी उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं सो दे आर द कलर्स ओके दे आर द कलर्स द वेजिटेबल कलर्स फूड एंड ड्रग कॉरपोरे डिपार्टमेंट अप्रूवल कलर्स ओके देन वाटर सोल्यूबल डाई सर्टिफाइड लेग एक्सेट्रा आर एडेड इन कलर सो व्हाट इज द रोल ऑफ कलर इन ए कैप्सूल्स तो कैप्सूल के अंदर जो कलर ऐड किए जाते हैं वो उसके एपियरेंस को इंक्रीज करते हैं ओके दे इंप्रूव द एपियरेंस ऑफ ए सेल्स देन नेक्स्ट वन इज द फ्लेवर फ्लेवरिंग एजेंट भी कैप्सूल सेल के अंदर ऐड किए जाते हैं और वो है इथाइल वेनिलिन एन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीरो पॉइंट वन टू टू परसेंट दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर ए जीपेट एग्जाम Okay, so ethylene uh, vanillin is added in a concentration of zero point one to two percent as a flavor in a capsule dosage form, and it provides the good flavor. Next important ingredient, it is a sugar, and in the sugar mainly use the sucrose, and it is up to five percent, it provide the sweet taste. Next is added uh, acid, and it is a fumaric acid up to the. One percent, person and it lessens the uh, aldehyde tannins of tannins of gelatin. Okay, it lessens the aldehyde tannins of gelatin. Next is the thickening agent. Next is the thickening agent to provide the proper thickness to the solution by which we prepare the capsule cell. So it is a methyl cellulose and adjusts the viscosity of a. जिलेटिन जो जिलेटिन जो हम या डाल रहे हैं कैप्सुल सेल बनाने के, के लिए तो उसकी विस्कोसिटी को एडजस्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे थिकनिंग एजेंट मेनली मिथाइल सेल्युलस एंड लास्ट में हम यूज़ करते हैं वाटर वाटर जो है वो हमारा मेन सॉल्वेंट है बिकॉज जितने भी हम ये इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं इन कैप्सूल सेल ऑल आर ए वाटर सॉल्यूबल्स ओके okay? समझो कि जिलेटिन जो हम यूज़ कर रहे इट इज़ ऑल्सो वाटर सोल्यूबल प्लास्टिसाइजर इज ऑल्सो वाटर सोल्युबल ग्लिसरीन एंड ग्लिसरॉल देन मिथाइल पेराबेन सॉर्बिक एसिड ओके टिटेनियम ऑक्साइड देन वेरियस कलर इथिलीन सुक्रोज फ्यूमारिक एसिड एंड मिथाइसल ऑल आर द वाटर सोल्युबल एंड बाय यूजिंग दिस ऑल इन्ग्रीडियंट्स वी कैन प्रिपेयर द कैप्सूल सेल ओके कैसे बनाई जाती है वो भी हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं सो लेट्स चेक द नेक्स्ट टॉपिक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैउट दिन के वॉट इज द जिलेटिन जिलेटिन क्या है वो कैसे बनाया जाता है उसकी प्रिपेरेशन कैसे होती है ओके सो लेट्स चेक अबाउट द जिलेटिन सो जिलेटिन इज ए हिट्रोजीनियस प्रोडक्ट डिराइव बाय ए हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रेक्शन ऑफ एनिमल्स कॉलाइजन द सोर्स ऑफ जिलेटिन इंक्लूडिंग एनिमल बॉन्ड्स हाइडपोर्सन एंड ए फ्रोजन पॉर स्किन ओके okay, सो so आपको पता चला होगा कि व्हाट इज द जिलेटिन जिलेटिन क्या है द जिलेटिन इज ए हिट्रोजीनियस प्रोडक्ट ओके डिराइव फ्रॉम डिराइव बाय हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एनिमल्स कलर्जन ओके द सोर्स ऑफ जिलेटिन इंक्लूड्स द एनिमल बॉन्स हाइड पोर्सन एंड फ्रोजन पॉर्क स्किन फ्रोजन पॉर्क स्किन टाइप्स ऑफ द जिलेटिन आर टाइप ए जिलेटिन एंड टाइप बी जिलेटिन Okay friends so uh, type a what is the type a gelatin so type a gelatin is derived from the acid treated precursors that exhibits an isoelectric point at the ph 9 type a gelatin derived from acid treated precursors that exhibits an isoelectric point at ph 9 it is manufactured mainly from पॉर्क स्किन ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना है टाइप ए जिलेटिन मेन्युफैक्चर मेनली फ्रॉम ए पॉर्क स्किन एंड टाइप बी जिलेटिन डिराइव फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रीकर पॉइंट पी एच फॉर पॉइंट सेवन इट इज मैन्युफैक्चर मेनली फ्रॉम एनिमल बॉन्ड्स मतलब कि आपको बी याद रखना है टाइप बी तो एनिमल बॉन्स बॉन का जो बी है और टाइप बी का भी बी उससे आपको याद रखना है टाइप बी ओके एंड टाइप ए के लिए है पॉर्क स्किन टाइप ए की जो है वो डिराइव फ्रॉम द एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सन एंड उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है पी एच नाइन एंड टाइप बी जो है वो अल्कली ट्रीटेड है एंड उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है एट अ पी एच फोर पॉइंट सेवन टाइप ए जिलेटिन जो पॉर्क स्किन में से मिलता है ओके एंड टाइप बी जिलेटिन जो है मेनली बॉन्स बट बॉन्स कैसे तो एनिमल बॉन्स में से सो दिस इज द फ्लोचार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द जिलेटिन ओके ये फ्लो चार्ट मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से तो समझो कि अल्कलाइन प्रोसेस टाइप बी जिलेटिन की है और यहाँ पे एसिड प्रोसेस ओके दोनों प्रोसेस जो है तो सबसे पहले हमने बताया था कि uh, जो जिलेटिन के मेन सोर्सेस क्या है जिलेटिन के मेन थ्री सोर्सेस क्या है तो इट इज ए बॉर्न एनिमल बॉन देन पीग के स्किन यानी इट इज ए स्प्लाइट्स स्प्लाइट्स मतलब कि जो एनिमल्स के वेरियस कटिंग्स वगैरह होते हैं वो ओके तो एक जो है वो बॉर्न है दूसरे जो है पीग की जो स्किन आती है एंड थर्ड वन इज इज ए स्प्लाइट्स ओके तो क्या प्रोसेस होती है सबसे पहले कि समझो कि आपके पास है पिग स्किन फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ए पिग स्किन सो सबसे पहले उसको क्या करेंगे वॉश करेंगे आफ्टर दैट ग्राइंडिंग देन ग्राइंडिंग इट इज ए हाइड्रोलाइसिस नेक्स्ट स्टेप इज इज ए वॉशिंग एंड लास्ट स्टेज इज ए स्टेज एक्सट्रैक्शन ओके इतने स्टेप करने के बाद नेक्स्ट जो कंटेंट तैयार होगा वो है जिलेटिंग सॉल्यूशन सेम प्रोसेस होगी एनिमल स्प्लाइट्स की उसको सबसे पहले वॉश किया जाएगा ग्राइंडिंग किया जाएगा लाइम प्रोसेस वॉशिंग न्यूट्रलाइजिंग एंड ए स्टेज एक्सट्रैक्शन ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा जिलेटिन सॉल्यूशन ओके ये जो है प्रोसेस इससे आपको मिलेगा जिलेटिन सॉल्यूशन दूसरे स्टेप क्या है ओके okay, समझो कि आपके पास बॉन है ओके okay, आपके पास बॉन्स है तो बॉन्स का आप क्या करोगे बॉन्स का ग्राइंडिंग करोगे डिफेटिंग करोगे दिन उसके बाद वॉशिंग मैसरेटिंग एंड वॉशिंग इतना करने के बाद आपको मिलेगा ओसिन ओसिन की प्रोसेस क्या करोगे ये स्टेप में ले जाओगे ओसिन को लाइम प्रोसेस करवाओगे उसकी फिर से उसका वॉशिंग करोगे न्यूट्रलाइजिंग करोगे स्टेज एक्सट्रैक्शन और लास्ट में फिर से आपको मिल जाएगा जिलेटिन सॉल्यूशन सेम ओसिन का समझो कि लाइम प्रोसेस आपको नहीं करना है और आपको करनी है हाइड्रोलिस तो ओसिन का हाइड्रोलिस करो के बाद उसको वॉशिंग करो एंड देन स्टेज एक्सट्रैक्शन तो फिर से आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिलेटिन सॉल्यूशन फिर से आपको मिल जाएगा जिलेटिन सॉल्यूशन इस तरह से by using the three ways, okay, so by using the three ways you can prepare the type A and type B gelatin. Okay, so this is the flow chart. Okay, how to make the gelatin solutions tarah se aapko gelatin solutions jo hai aap prepare kar loge अब हमें एक check करना है about the properties of the gelatin. Gelatin के properties क्या हैं? तो ये lecture समझो कि आपको थोड़ा लंबा लग रहा है, boring लग रहा है तो हम अभी थोड़ी time में ही Uh, uh, आपको ब्रेक देंगे थोड़ा सा कि जिसके कारण आप जो है वो थिंक कर सको और जितने भी पॉइंट्स हमने आज के वीडियो में जो कवर की है आपके लिए ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो यू डू नॉट हैव टू स्किप एनी टॉपिक बिकॉज एज अ पॉइंट ऑफ व्यू जी पी एग्जाम नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फार्मास्यूटिक्स के अंदर टैबलेट एंड कैप्सूल चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली ये चैप्टर्स को तैयार करना बहुत ही जरूरी है ओके सो so, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रॉपर्टीज है जिलेटिन की उसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द जीपेट एग्जाम नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर एंड ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द जिलेटिन इट इज ए ब्लूम और जेल स्ट्रेंथ ओके जो आगे के जो प्रोसीजर से हमने जो जिलेटिन का सॉल्यूशन बनाया उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है और उसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जिलेटिन उसमें से फर्स्ट एक प्रॉपर्टी है वो है ब्लूम स्ट्रेंथ ओके ब्लूम और जेल स्ट्रेंथ ऑफ ए जिलेटिन तो व्हाट इज अ ब्लूम स्ट्रेंथ और ए जेल स्ट्रेंथ तो इट इज़ ए मेजर ऑफ द कोहेजिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जिलेटिन higher the bloom strength more physically stable the capsule cell okay this is the very important topic okay it measure of a cohesive strength of cross-linking and occurs between the gelatin and the molecules is proportional to the molecular weight of a gelatin higher the bloom strength more physically stable the capsule cell so ब्लूम स्ट्रेंथ की जो वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए एंड ऑफिशियल वैल्यू ऑफ ब्लूम स्ट्रेंथ इज ए वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी ये जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि व्हाट इज द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन और व्हाट इज द जेल स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन तो इट इज ए वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी ग्राम ओके सो ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में आप सबको पता चल जाएगा कि इट इज ए कोहेज स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द molecular weight of the gelatin next a important property is viscosity of the gelatin okay it is a measure of the chain length and manufacturing characteristic of a gelatin field the required viscosity of gelatin lies in between 25 to 45 millipoise okay 25 to 45 millipoise this is a very important top uh, figure you have to remember for the competitive exam the viscosity of the gelatin it is a 25 to 45 millipoise okay and it is a main characteristics for a gelatin film and elastic property has gelatin ki wo hai iron content so iron content it is a present of raw gelatin as a as well as a water using a manufacturing excess quantity of iron can affect the c

वाटर यूज इन ए मैन्युफैक्चरिंग एक्सेस क्वांटिटी ऑफ आयरन कैन इफेक्ट द एफ डी रिएक्ट्स विथ ए ऑर्गेनिक हैंस द आयरन इज यूज इन ए कॉन्सेंट्रेशन नोट मोर देन फिफ्टीन पी मतलब कि जो क्वालिटीटिव एनालिसिस वगैरह करते हैं क्वान्टिटिव एनालिसिस की जाती है उसमें आयरन कंटेंट जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओके आयरन जो कंटेंट की जो लिमिट जो है वो फिक्स की हुई है कि जिलेटिन के अंदर पंद्रह पी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो इससे ज़्यादा हो तो एफ डी सी जो के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं ओके सो ये इम्पोर्टेंट है सो so, तीन मेन प्रॉपर्टी हमने देखी ब्लूम स्ट्रेंथ वो होनी चाहिए 150 टू 250 ग्राम विस्कोसिटी 25 टू 45 फाइव एंड आयरन कंटेंट नोट मोर देन ए 15 फाइव पी ओके फ्रेंड्स दिस इज़ अबाउट द पार्ट वन वीडियो Will be continue in our next video. Remaining topics we will cover in our part 2 video lecture. So आपको ये video अच्छा लगा है तो must like करिए ओके इसका कंटेंट आपको अच्छा लगा है suggestions सजेशंस वगैरह कुछ हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हो और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ एजुकेशनल वीडियोज़ एंड समझो कि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, यू विल गेट द मोर सच फार्मा एजुकेशनल वीडियोज ऑन योर यूट्यूब गुड लक फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट